प्यारा आदि भाई और मेरी प्यारी बहन परी, वो लोग आज चले जाएंगे। अरे बाप रे। तो एक बात बताओ भांजी, आप सबसे ज्यादा किसको मिस करने वाले हो? हाँ, वो सांप। आज जाने का प्लान कैंसिल? ये सच्ची में? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अभी भुवनेश्वर पे हैं और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं बलांगीर जाने के लिए। अभी शाम का 3 बज रहा है और यहाँ पे हमारे होस्ट बाबा है, ये आदू बाबा। हाय बोल दो आदू। आदू ग्रेप्स खा रहा है। ये क्या खा रहा है आदू? ग्रेप्स। और ये है हमारी परी और ये है हमारी पियांसी। सो पियांसी, रुको रुको, पहले इससे बात कर लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। ओ अरे आदू, तुम्हारा ये बता दो, आज आदू कार से गिर गया, देखो इतना हु हो गया, इंजर्ड हो गया आदू। और कौन गिराया? पापा ने इसको डोर खोल दिया तो वो आदू डोर से नीचे गिर गया। सॉरी आदू, पापा सॉरी बोल दिए, ठीक है ना? तो प्रियांशी, आप थोड़ा अपना फीलिंग बताओ थोड़ा। आज परी आदि जा रहे हैं, बहुत दिन आपके साथ, कितने दिन रुके हैं ना? 4 दिन। बहुत दिन रुके? 4। और भी कुछ दिन रहना था क्या? बहुत, और भी कितना दिन रहना? ठीक है, आप परी को रखना है तो रख लो। हाँ, परी को भी रखूंगी, आदि को भी रखूंगी, दोनों को। अरे बाप रे, ये क्या है? क्यों करे? हम लोग एक चीज दिखाना चाहते हैं। ये देखो, ये गुस्सा हो रहा है। अदू क्यों गुस्सा हो रहा है? मेरा वीडियो लो, कैसे बोल रहा है? अदू का वीडियो लेना है? तो एक बात बताओ भांजी, आप सबसे ज्यादा किसको मिस करने वाले हो? आदी को। और आदी को मिस करेंगे। और परी को। और किसको मिस नहीं करेंगे? और माई को, मामू को, मामा को। आप किसको मिस नहीं करेंगे? सबको मिस है। आदी मिस है? आदी किसको मिस है? पाई मिस। पाई नहीं, मेरा नाम पांची। पांची दीदी बोलो। पांची दीदी, ये मुझे खाली पांची बुलाता है। पांची दीदी बोल मुझे। पांची दीदी। अभी हम लोगों का यहाँ पे पैकिंग हो रहा है और ये है बबीना यूट्यूबर। ओ बबीना यूट्यूबर, हाँ। आप थोड़ा कुछ बोलो, आज आपको शांति मिलेगी, इतना दिन काम करते करते थक गई थी बेचारी, अभी रिलैक्स करेगी। क्यों और क्या, अभी घर खाली हो जाएगा। घर खाली हो जाएगा? हाँ, अभी और कुछ काम नहीं, धाम नहीं, फ्री में बैठोगे आप। हाँ, मैं तो थक गई भाई। प्रियांशी दीदी ने परी दीदी को दिया है और आदू रो रहा था, उसको भी चाहिए। नेक्स्ट ईयर जब आएगा ना दीदी, आदि स्कूल जाएगा तब तो आदू को भी देगी दीदी। और यहाँ सारा पैकिंग चल रहा है। और दी, व्हाट आर यू डूइंग? परी के लिए एक जर्नल। मेरे लिए कुछ गिफ्ट दो ना प्रियांशी बहन जी। आपके लिए? आप अपने भाई बहन को दे रहे हो, मामू को कुछ नहीं दे रहे हो। सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो सांप। ये ले लो। मामू डर गए। मामू डर गए। ये उनको अच्छा सरप्राइज दिया है दीदी। देखा, आदि भी हंस रहा है। हंसी तो देखो भाई। आदि हंसो। दीदी, how are you feeling when we will now? क्या है, गुलाब का फूल से कौन रिपोर्टिंग करता है? ठीक है, मुझे बहुत खुशी बिल्कुल नहीं हो रही है, मुझे बहुत दुखी हो रही है। झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरी बहन जा रही है और मैं मेरी बहन को बहुत मिस करूंगी। एनी एल्स थिंग?
और क्या बोलूं भाई। मम्मी आप इफेक्ट डालो, चलो। ओ आगे बोलिए कुछ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा हो आदि। नहीं ये मेरी फ्रेंड ने बनाई है। आदि क्या बोलेगा? आदि देगा दीदी। हाँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे प्यारा आदि भाई और मेरी प्यारी बहन परी वो लोग आज चले जाएंगे। क्या बोल सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? भंडारा चल रहा है, कुछ लेंगी आप? हाँ लेना चाहेंगे हम। 2 किलो दिमाग। Emotional, damn it! नहीं हम ये और वो लेना चाहेंगे। यही मिलेगा, वो मेरे ने यूज कर लिया है। अच्छा मैं ये एक्चुअली परी का एक जर्नल है, मतलब परी का नहीं मेरा एक जर्नल है जो कि मैंने खरीदा था एक स्टेशनरी चैलेंज में, लेकिन मैं ये यूज नहीं की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक जर्नल है और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो परी के बहुत काम आएगा जर्नलिंग करने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि परी को जर्नल करने देता, कुछ नया करे वो मेरे वजह से क्योंकि मैंने उसको ये दिया। हम लोग गए थे स्टेशनरी शॉपिंग बट उसमें 500 बजट था और वहाँ बहुत महंगा था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास तो है, परी का बेकार का पैसा क्यों वेस्ट करे, और ये इसलिए मैं ये खुशी 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 डोनट वाला परी को दे रही हूँ और उसके लिए फर्स्ट पेज मैं रेडी करूँगी। इतना लंबा भाषण देने के लिए धन्यवाद। टाइम हो गया अभी जाने का परी? नहीं भाई अभी टाइम हो गया जाने का। हाँ आदि मामा खाओ जी। आदि मामा खा रहा है? हाँ हाँ। प्रियांशी आप भी चलो ना हमारे साथ। पापा पापा क्या हुआ? आदू फू हो गया। हाँ अभी क्लीन कर दिए ना दीदी। फू फू कर दो आदू को। प्रियांशी आप चलोगे हमारे साथ? अगर होता तो मैं जाती लेकिन मेरा ट्यूशन पढ़ाई इसलिए मेरा समर वेकेशन होगा तो मैं आने की कोशिश करूँ। आप बेंगलोर कब आने वाले हो? अगस्त या अक्टूबर? सॉरी अक्टूबर। अक्टूबर में क्या खास है? दशहरा। और क्या खास है? और क्या खास है? और कुछ भी नहीं? नहीं अक्टूबर टाइम में मेरे स्कूल का छुट्टी है और ट्यूशन का भी कुछ दिनों के लिए रहता है। और क्या खास है? और क्या? और कुछ नहीं। क्या मार क्यों रही है तू? लकड़ तू खास है। मेरा बर्थडे है। हाँ क्या मुझे तो पता ही नहीं था। पता था दीदी जान बूझ के परी को चिढ़ा रही थी। ये लो परी तुम्हारे लिए आ गया इवनिंग स्नैक्स, खा लो जल्दी से और दीदी को बाय बाय बोल दो। हाँ। तुमको बाय बाय बोलने का मन कर रहा है कि नहीं दीदी को? हाँ। नहीं कर रहा है तो फिर क्या करें बताओ? और एक दिन रह जाए क्या? और एक दिन रह जाए क्या? हाँ। क्या बोलते हो? हाँ। और एक दिन रह जाता है दीदी, क्या बोलते हो? और एक दिन रह जाए क्या? अच्छा आइडिया है पर हमको फायदा, मेरे को क्या फायदा होगा और एक दिन रहने से? आप लोग कहीं घूमने चले जाएंगे कल। बट मेरा क्या फायदा होगा? आप जो भी बोलोगे हम वो करेंगे। हम लड़ाई नहीं करेंगे पूरे दिन। मेरा पैर पूरा अच्छे से मालिश करोगे, बॉडी मसाज करोगे दोनों? हाँ फ्री। हाँ फ्री। और वो जो क्या पेडिक्योर फेडिक्योर सब कर लोगे? हाँ वो मेरा काम है वो। हाँ मैं साथ दीदी पेडिक्योर। ठीक है फिर मैं सोता हूँ। फिर अभी आज जाने का प्लान कैंसिल। ये सच्ची में? हाँ सच्ची में आज नहीं जाते हैं, कैंसिल। बट परी की मम्मी अगर हाँ बोले तो? परी की मम्मी अगर हाँ बोलेगी तो उनका पैर का मसाज के लिए वो बहुत अच्छे हैं। चलो चल चल चल। मम्मी कितनी सुंदर है। हाँ यार तो हमेशा सुंदर दिखती हो। कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो आप। क्यों मतलब ऐसे ना पैर दबा दूंगी अगर आप चाहो तो। दीदी पेरी क्यों कर देंगे? मैं मेरी सुंदर माई को सुंदर नहीं बोल सकती? इतना मस्का क्यों मार रहे हो तुम दोनों?
पापा तो हाँ बोल चुके हैं यहाँ एक और दिन रहने को। अच्छा आप क्या बोल? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं रहने के लिए रेडी हूँ भाई। तो तू रह रही है तो तू मेरे साथ रह रही है तो तू मेरे साथ रह रही हूँ। अगर तुम्हारे दादी माँ अगर हाँ बोले तो ठीक है। तुम्हारी दादी माँ इतना क्या ट्रेनिंग? चलो मामा जूता चप्पल पहन के देखो कितने सुंदर कितने क्यूट। ए बाप रे बोलू कुछ कुछ। तो आपका क्या ख्याल है अगर परी एक और दिन रह जाए तो? अच्छा है। अच्छा हाँ। हाँ। इतना दिन रहा नहीं मन भरा? नहीं इतना नहीं, बस चार दिन था ना। हाँ। तो हमारे गुड़ों गुड़ा दो एकदम। ए बाप रे तो पूरा बॉडी मसाज पूरा गुड़ों आज रह ले। हाँ अगर आप कहो तो। नहीं बेटा आज जाना है। आप क्या दिन दीजिएगा? मैं चाहती हूँ कि और दो तीन दिन रुक जाओ ताकि हम फिर शॉपिंग जाए। हाँ। फिर घूमने जाए। मेजॉरिटी विंस। हाँ मेजॉरिटी विंस। 1 2 3 स्टार्ट। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वन मोर टाइम। जरूर मिलेंगे। ऐसे ही करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं दोनों। गिर गई मैं, मेरी कमर तोड़ दी इतनी छोटी उम्र में तूने। तो फिर अभी हो गया है शाम का 4। यहाँ से जो बलांगीर है अराउंड 350 किलोमीटर है, हमको लग जाएगा 6 to 7 आवर। रात 10-11 बज जाएगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे पीछे आप देखो परी प्रियांशी क्या कर रहे हैं। एक शॉट बना रहे हैं, लास्ट बना रहे हैं। बाय बोल दो दीदी को। बाय बोलो। बाय दीदी। हम फिर मिलेंगे दीदी। बोलो दीदी। फिर मिलेंगे दीदी। अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी। ये आदू चलो थोड़ा हम दिखा देते हैं हमारे कार में कितना सामान हमने लोड किया है। चलो आपको दिखा देते हैं हमारा कार का सेटअप। ये देखिए ये गाड़ी पीछे पूरा फुल है। ये सब परी की मम्मी का सामान है। परी की मम्मी जब जाते हैं अभी इतना सामान है बलांगीर में और इतना सामान परी की मम्मी ने रखा हुआ है। अभी मैं टेंशन में हूँ कि बेंगलोर कैसे जाऊँगा बलांगीर टू। ऑलरेडी सामान इतना आधा फुल हो चुका है और इतना सामान गाड़ी लेकर चली जाऊंगी सामान से। आप लोग ट्रेन और फ्लाइट से आ जाना। ओ अपने मायके में फिर भैया का शादी है फिर कुछ कुछ सामान लेके जाएंगे। हाँ, आप गाड़ी में सामान लेके आ जाना, हम लोग फ्लाइट में चले जाएंगे। ठीक है वही सही रहेगा। वो सही रहेगा। मस्त प्लान है। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। ये क्या नौटंकी चल रहा है क्या परी? ये ये लोग इस बार बिल्कुल भी सैड नहीं है लग रहा है। एक्टिंग कर नारी। एक्टिंग कर। इधर मामा रेडी हो गए हैं। आगे ट्रैफिक पुलिस आई है। ट्रैफिक पुलिस रास्ता क्लियर करो इधर से। ये आगे गाड़ी जाम है, कैसे जाएंगे हम लोग? अभी चले जाएंगे वो गाड़ी। रास्ता जल्दी से क्लियर करो ट्रैफिक पुलिस। ओके ओके। क्या हुआ दी? मैं जा रही हूँ। सुनाई दे रहा है? अरे तू जा रही? मैं जा रही हूँ। अरे तू जा रही? मैं जा रही हूँ। अरे तू जा रही? पांची दीदी को मिस करोगे? बहुत। पांची दीदी बहुत मिस करेंगे। सब लोग उनको पांची दीदी बोलते हैं। परी भी जब छोटी थी पांची थी। अभी आदू आर्यन फेसे बोलता है क्या? पापा को पूछो तो थोड़ा अपने बहन को मिस करेंगे क्या? सर विल यू मिस योर बहन? नहीं अब मिस नहीं करोगे? बहन से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा हुआ क्या आपके बहन से?
मिस नहीं करते हम किसी को। क्या करते हो? फोन से वीडियो कॉल से बात कर लेते हो? हाँ हम फोन में बात कर लेते हैं। ये क्या जमाने में हम हमारे दीदी को मिस करते हैं, चीजें लेते हो। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे अंबर है जनपद ये बोलते हैं, ये जो भुवनेश्वर का जगह। अभी परी के मामा का शादी होने वाला है तो उसके रिसेप्शन के लिए उसको कोई एक ड्रेस चाहिए तो उसके लिए रुके हुए हैं। जल्दी से कुछ यहाँ पे शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बलांगीर के लिए निकलेंगे और देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे लगता है। मम्मी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ब्लू, ये वाला ब्लू, ये मेरे में अच्छा आएगा? मुझे वो ब्लू भी अच्छा लग रहा है, देखो तो ये देखो ये वाला ब्लू। परी परी ये दोनों ब्लू शर्ट में से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? पापा के लिए। तो पापा ये वाला ले रहे हैं। किस ओकेजन के लिए? मामू के रिसेप्शन के लिए। और पापा ने पहले से वो व्हाइट शर्ट सिला चुके हैं तो उसके साथ ये अच्छा लगेगा। तो फाइनली एक पसंद वाला मिल गया पापा। चलिए पीछे तो देखो कौन है। अरे अरे आप क्या हमारे साथ चलने वाले हो क्या? सरप्राइज सरप्राइज। दीदी ने किसको सरप्राइज दिया? मामू को। हाँ परी से पहले से मिल चुके हैं। पहले पीक करके देखिए। हाँ बेटा ये कौन है तू? ये दीदी आ गई। ठीक है चलो भांजी। रो रहे थे क्या घर में? तो भांजी चलो आप बहन के लिए ड्रेस चूज करना। हाँ परी के लिए थोड़ा एक अच्छा ड्रेस चूज। दोनों का मैचिंग मैचिंग है मुझे लग रहा है कि ये दोनों बलांगीर जाए। आप चल रहे हो क्या हमारे साथ? सच्ची बोलो सच्ची बोलो। बलांगीर चल रहे हो? चलो ना भांजी चलो ना। No, no. अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? परी को कंफर्टेबल लग रहा है। तो ये वाला फाइनल कर दिया जाए? लेना है थोड़ा ऐसे घूम के दिखाओ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ अरे बाप रे हाला। हाँ परी जैसा दिख रहा है। परी परी जैसे दिख रही है। ठीक है अभी परी की मम्मी आई है साड़ी लेने के लिए। देखते हैं उसको कुछ साड़ी पसंद होता है कि नहीं होता है। कौन से कलर का साड़ी चाहिए आपको? ओ परी की मम्मी येलो कलर में। कौन से ओकेजन के लिए? हल्दी। वो पता नहीं चलेगा ना हल्दी में, अगर हल्दी कलर का साड़ी पहनोगे तो। One eternity later. तो अभी शॉपिंग हो गया, अभी हम लोग जाने वाले हैं प्रियंसी को अभी फाइनल बाय बाय। प्रियंसी बहन जी बाय बाय, आपका कोचिंग का टाइम है ना। परी दीदी को अभी फाइनल बाय बाय, ये पक्का वाला बाय है ना। फिर मिलेंगे दीदी, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है रोना मत दीदी, आप ज्यादा रोना मत। हाँ मत रोना ठीक है ना। परी भी मत रोना ठीक है। चलो अभी दीदी कैसे जाएंगे? अपने मम्मी के साथ जाएंगे स्कूटर में? अरे बाप रे ये क्या स्टाइल था। चलो परी मोमोस खाएंगे चलो। तो अभी ये दोनों बहनें इधर क्या कर रहे हो? मोमोस खा रहे हैं ये लोग। अब ये मत बोलना आपको छोटी क्योंकि आप भी खाने वाले हो। हाँ मैं भी खाऊंगा। तो यहाँ सब खा रहे हैं। अभी हम लोग बलांगीर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ले रहे ताकि वो लोग गाड़ी चला। यहाँ परी भी खा रही है, पता नहीं किस मजे में है वो। सदमे में है, सदमे में परी। खाओ 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 आराम से। A few minutes later. चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। गाड़ी ठीक से चलाना।
और टाइम से मेरे भांजी को कोचिंग पहुंचा देना। ठीक है, बाय बाय। अभी भी हम लोग भुवनेश्वर पे हैं, काफ़ी टाइम हो गया शॉपिंग करने के चक्कर पे, और घर पहुंचने पहुंचते रात 11-12 हो जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क है पीछे, तो चलो चलते हैं फिर बलांगीर की सफर पे। ठीक है मामा। हाँ चले चले। जय हनुमान। जय हनुमान। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो अभी हम लोग गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं और टैंक फुल कर रहे हैं। अभी जो डीजल का प्राइस है भुवनेश्वर पे कितना है, 94.76-95 रुपीज़ डीजल रेट है। तो अभी यहाँ पे डीजल डालेंगे और इधर से हम नॉनस्टॉप अभी चलना शुरू करेंगे। ऑन द वे मैं भी कहीं पे हम लोग डिनर कर सकते हैं, देखते हैं। मतलब अभी तो हमने स्नैक्स वगैरह काफ़ी कुछ खा लिया है, पता नहीं मतलब फिर भूख लगेगी कि नहीं। कैसा बेटा आदू, आदू को कैसा लगा? ओह नो, यम्मी है परी। हाँ यम्मी है, कुल्फी फ्लेवर है। कुल्फी खाओ, मेरा तो गला खराब है। तो फिर अभी हम लोग हैं नयागढ़ टाउन पे। ये है नयागढ़, आप देख सकते हो पीछे नयागढ़ लिखा है। और यहाँ पे कुछ एक रेस्टोरेंट मेरे को मिला है, तो वहाँ पे हम लोग जाके अभी थोड़ा डिनर करेंगे। अभी टाइम हो गया है, 9 बज गया है, इसके आगे जंगल आता है तो खाने को कुछ मिलेगा नहीं। और अभी परी और आदि ये लोग दोनों जगे हुए हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग अभी खाना खिला देंगे, नहीं तो बाद में घर पहुँचते पहुँचते और ये लोग नहीं खाएँगे। तो फिर ये नयागढ़ टाउन है जैसे मैंने आप बोला था, और हमको लकीली एक लुक्स स्विच एक अच्छा सा होटल मिला है। ये है होटल का नाम, क्या है ये परी? स्वीटी रेस्टोरेंट। स्वीटी रेस्टोरेंट है परी, चलो। स्वीटी रेस्टोरेंट है तुम्हारा? स्वीटी दीदी का रेस्टोरेंट है। अच्छा लग रहा है ना, ये जो डेकोरेशन है अच्छा लग रहा है ना। चलो देखते हैं क्या मिल रहा है। और मुझे लगता है परी एसी वाला रेस्टोरेंट है। एसी है, चलो देखते हैं कहीं पे बैठते हैं। आदू फिश किधर है? किधर है फिश आदू? उतरो उतरो उतरो, नीचे उतरो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके ओके चलो दिखा देते हैं फिश। ये देखो फिश। आदू फिश क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो फिश? खाना खा रहे हैं दादा। क्या कर रहे हो तो फिश? फिश दादा। डैडी बाय बोल दो फिश को। बाय बोलो। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। ओके चलो यहाँ पे बैठ जाओ। ये लो फ्लावर्स तुम्हारे लिए है। फ्लावर्स क्या खाने वाले हो? आ गए बैठो। तो ये है पनीर मंचूरियन। अच्छा है टेस्ट पनीर मंचूरियन? अच्छा है परी, कैसा है ये? खाके देखो। तो खाया नहीं है, खाके बताओ। डायरेक्ट इधर से ले तो खा लो उसी से डायरेक्ट। बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी है। आदू नहीं खा सकता। हो गया मैं। आदू राइस खाएगा। ओके। आदू के लिए कर्ड राइस। आदू कर्ड राइस खाएगा। आज दोपहर को भी आदू ने अच्छे से राइस नहीं खाया, इसीलिए। आदू क्या खा रहा है? आदू क्या खा रहा है? कर्ड राइस खा रहा है। कर्ड राइस खा रहा है। ये आदू का फेवरेट है। स्पाइसी पर दीदी को भी स्पाइसी लगा है। तुम भी खा लो। 1 hour later फाइनली हम लोगों का डिनर हो गया है यहाँ पे।
हमने एक स्पेशल वेज ऑर्डर किया था जो काफ़ी टाइम ले लिया, तो यहाँ पे एक घंटा चला गया 9 to 10। तो अभी जो घर पहुँचने का जो टाइम था रात का 1 बजे, अभी रात का 2 बज जाएगा। ओके, जनरली मैं लेट नाइट गाड़ी चलाना प्रीफर नहीं करता हूँ, बट आज थोड़ा शॉपिंग की वजह से इवनिंग को लेट हो गया, नहीं तो हम तो टाइम पे अराउंड 3:34 o'clock को निकल गए थे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है अनप्लान्ड ट्रैवल। और क्या हुआ दी, कुछ बोल रहे थे? फिश, मामा। फिश, हाँ फिश को बाय बोला? बाय बाय। बाय बाय, हाँ ठीक है, फिश को बाय बाय बोल दिया। ओके, तो ये टाउन जो है कि मैंने आपको बोला था, ये नयागढ़ है, ये एक काफ़ी नोन टाउन है इन ओडिशा। और पीछे जीनी खड़ा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, वो पार्किंग लाइट ऑन है। पापा, स्काई है। क्या है? स्काई है। हाँ हाँ, स्काई है, स्काई। एरोप्लेन वाला। एरोप्लेन भी है। सो फ्रेंड्स, मैं तो प्रियांशी दीदी को बहुत मिस करने वाली हूँ। और अभी हम पहुँच गए हैं बलांगीर। और आपको आज के व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, बाय। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।